लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने तथा स्थापित करने के लिए चुनाव आवश्यक है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मत क्यों देगा। इसके लिए सभी राजनीतिक दल अनेक प्रकार के वादे करते हैं। इन वादों के संग्रह को घोषणा पत्र कहा जाता है। 12 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में चुनाव संपन्न हुआ। आइए इस चुनाव पर एक नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश में 14वीं विधानसभा के लिए 68 सीटों पर चुनाव हुआ। कुल 412 उम्मीदवारों ने चुनाव की प्रक्रिया में भाग लिया है, जिसमें 24 महिलाएं एवं 338 पुरुष हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल मतदाता लगभग 55.9 लाख है, जिसमें 27.3 लाख महिलाएं हैं। कुल मत का 48% है। ग्रामीण लिंगानुपात 979 तथा शहरी लिंगानुपात 963 है। महिला साक्षरता दर 73.5% है। रिकॉर्ड होने तक चुनाव आयोग के अनुसार कुल 66.92% मतदाताओं ने मतदान किया था। सभी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए क्या खास रहा, इसको देखा जाए तो भाजपा ने स्त्री शक्ति के नाम से महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसकी मुख्य बातें महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण, कक्षा 6 से 12वीं तक साइकिल, ब्याज मुक्त ऋण, महिला बुनकरों को वित्तीय सहयोग, गर्भवती महिला को ₹25,000, 12 जिलों में छात्राओं के लिए छात्रावास, ₹51,000 योगदान बीपीएल परिवार की लड़कियों की शादी के लिए इत्यादि। वही आम आदमी पार्टी ने 18 साल के ऊपर सभी महिलाओं को ₹1,000 मासिक भत्ते की बात की, तो कांग्रेस ने मासिक भत्ते की राशि 1500 कर दी है। सीपीआई ने सिंगल मदर के लिए अलग से सहायता की घोषणा की है। अन्य दलों ने भी चुनाव में हिस्सा लिया है, लेकिन यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस और आप की बात करेंगे, क्योंकि एक से अधिक राज्यों में इनकी सरकारें हैं। हिमाचल के चुनाव को आप देखेंगे तो महिला मतदान 48%, लगभग आधा वोट शेयर है, जबकि 412 उम्मीदवारों में सिर्फ 24 महिलाओं को ही इस लायक समझा गया है कि वह उम्मीदवार बनाई जा सकती हैं। जिस वर्ग के पास 48% वोट हो, उस समुदाय से सिर्फ 6% को ही उम्मीदवार बनाया जाता है, और नौकरियों में 33% आरक्षण देने की बात कही जाती है। यह आपके देश के शीर्ष राजनीतिक दलों के अंदर लैंगिक समानता की स्थिति है। सारे घोषणाओं में कोई भी घोषणा महिलाओं के जीवन में मूलभूत परिवर्तन लाने के प्रयत्न से नहीं किया गया है। सभी दलों ने वोट शेयर के लिए प्रत्यक्ष लाभ देने का वादा किया है। इन सबसे अलग भाजपा ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की है। हम इस पर अलग से चर्चा करेंगे, जिसमें हम हिमाचल के सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को समझेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह वादा पूरा होगा या सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। सभी विषयों की तरह हिमाचल चुनाव ने भी पुनः एक बार हमारे बीच यह सवाल खड़ा कर दिया है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व में इतनी कमी क्यों है। महिलाएं स्वयं आगे आना नहीं चाहती, या फिर सामाजिक संरचना अभी भी उनके विकास में बाधा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर